नमस्कार, आपके साथ में अनामिका अजय मिश्र और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट। पंजाब विधानसभा चुनाव में प्रचार का दौर थम गया है, वोटिंग 20 फरवरी को होगी। इससे पहले कुमार विश्वास के एक बयान से सूबे की सियासत में भूचाल आ गया। कुमार ने केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले विधानसभा चुनावों में अलगाववादियों और खालिस्तानियों से मदद नहीं लेने की सलाह पर केजरीवाल ने कहा था कि मुख्यमंत्री नहीं तो स्वतंत्र देश का पहला प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, जिस पर केजरीवाल ने जवाब देते हुए कहा कि शायद वे दुनिया के सबसे स्वीट आतंकवादी हैं जो स्कूल बनवाता है और फ्री में बिजली देता है। चुनाव से पहले इस बयान का कितना असर पड़ेगा, इसी पर करेंगे चर्चा। उससे पहले रिपोर्ट देखिए। पंजाब विधानसभा चुनाव के रण में प्रचार का दौर समाप्त हो गया है। यहां 20 फरवरी को 117 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव करवाने के लिए अलग अलग पाबंदियों के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इससे पहले सभी दलों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अकाली दल ने जनता के मन तक पहुँचने का पूरा प्रयास किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कई सभा कर बीजेपी को प्रदेश में एक बड़ा प्लेयर बनाने की पुरजोर कोशिश की। आंतरिक कलह से जूझती कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर देखी जा रही है। सीएम चन्नी और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे कांग्रेस की संभावनाओं में कमी आई है। विधानसभा चुनाव सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के लिए भी परीक्षा की घड़ी है। वहीं पंजाब की सत्ता पर काबिज होने का सपना देख रही आम आदमी पार्टी के लिए भी वक्त ठीक नहीं चल रहा। पुराने सहयोगी कुमार विश्वास का एक बयान सूबे की सत्ता पर काबिज होने का सपना देख रही पार्टी को भारी पड़ सकता है। कुमार ने हाल ही में दिल्ली के सीएम और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को लेकर एक बयान दिया, कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में अलगाववादी और खालिस्तानियों का साथ नहीं लेने पर केजरीवाल ने कहा था कि क्या हो गया, अगर पंजाब का सीएम नहीं बना तो आजाद देश का पीएम बन जाऊंगा। मैं सदा कहता हूं पंजाब कोई राज्य नहीं है, पंजाब एक भावना है, पंजाबियत एक भावना है पूरी दुनिया में। ऐसे में एक ऐसा आदमी जिसने एक समय में मुझे ये तक कहा था, जब मैंने उसको कहा कि ये जो फ्रिंज एलिमेंट है, जो अलगाववादी संगठन है, जो खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, इनका साथ मत ले पिछले चुनाव में, और उसने कहा था कि नहीं नहीं हो जाएगा, चिंता मत कर, और कैसे चीफ मिनिस्टर बनेगा, तो उसने उसका फार्मूला भी बताया था कि ऐसे ऐसे भगवंत को और फुलका जी को लड़वा दूंगा और मैं पहुंच जाऊंगा, और आज भी वो उसी पथ पे है। मानो मत मानो, और नहीं भी है तो वो पपेट बिठा लेगा, कोई कुछ कर लेगा वो कुछ काम। तो ऐसे में उसने मुझे इतनी भयानक बातें बोली जो कि सबको पता है, पंजाब में सबको पता है, कि एक दिन तो मुझसे कहता है कि तू चिंता मत कर, या तो मैं एक स्वतंत्र सूबे का मुख्यमंत्री बनूंगा। और मैंने कहा ये अलगाववाद 2020 का रेफरेंडम आ रहा है, पूरी दुनिया फंडिंग कर रही है ISI से लेके और बाकी अलगाववादी ग्रुप, तो कहता तो क्या हो गया, तो स्वतंत्र देश का पहला प्रधानमंत्री बनूंगा। कुमार विश्वास के बयान के बाद सियासी भूचाल आ गया था। केजरीवाल विरोधी पार्टियों के निशाने पर आ गए थे। सीएम चन्नी ने भी पीएम मोदी से कुमार विश्वास के दावों की जांच की मांग कर दी थी। खासम खास दोस्त थे अन्ना हजारे के साथ, ये आंदोलन में झंडा लेकर के खड़े रहते थे, मां सरस्वती की पूजा में लगा हुआ इंसान। कल उसने कह दिया जब दर्द काफी हुआ होगा तब उसने मुंह खोला होगा। उन्हीं के एक साथी ने इनके चरित्र का जो वर्णन किया है, इसको हर मतदाता ने, हर देशवासी ने बड़ी गंभीरता से लेने की जरूरत है। सत्ता में आने के लिए तो कुछ भी कर डालेंगे। उनके एक साथी है, उनका कल बयान आया था, कह रहे थे कि केजरीवाल जी ने मुझे कहा कि अगर पंजाब के सीएम नहीं तो ठीक है, दुनिया के पहले नए देश के पीएम तो बन जाऊंगा मैं। समझे आप बात, आतंकवादियों के घर में जाके रहते हैं एक छोटे मियां साहब, और बड़े मियां किसानों को आतंकवादी कहते हैं। ये है सच्चाई आपके सामने। अपने ऊपर लगे आरोपों पर बोलते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा कि पिछले 7 से 10 साल में इन्हें कुछ नहीं मिला। फिर एक दिन एक कवि ने खड़े होकर एक कविता सुनाई, तब उन्हें समझ आया कि देश में इतना बड़ा आतंकवादी पनप रहा है। दिल्ली के सीएम ने कहा कि शायद मैं दुनिया का सबसे स्वीट आतंकवादी हूँ जो सड़कें, स्कूल और अस्पताल बनवाता है, फ्री बिजली देता है। जैसा मैंने कहा कि ये सारे इकट्ठे हो गए हैं,
मोदी जी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, चन्नी साहब, सुखबीर बादल, कैप्टन अमरिंदर, सिद्धू, ये सारे इकट्ठे हो गए और सारे ये क्या कह रहे हैं? पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ ये क्या आरोप लगा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पिछले 10 साल से केजरीवाल देश के दो टुकड़े करने का एक प्लान बना रहा है, षड्यंत्र बना रहा है कि देश के दो टुकड़े करेंगे और उनसे उसमें से एक टुकड़े का प्रधानमंत्री मैं बन जाऊंगा। मतलब ये तो कॉमेडी है, ये तो हंसने वाली बात है, ये हो सकता है क्या? 10 साल से केजरीवाल एक प्लान बना रहा है कि देश के दो टुकड़े करूंगा और मैं उसमें से एक का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ इनकी, ये तो इसका मतलब मैं बहुत बड़ा आतंकवादी हो गया, तो ये इनकी सारी सिक्योरिटी एजेंसीज क्या कर रही थी? पिछले 10 साल में 3 साल तो कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस वालों ने क्या किया? सो रहे थे वो लोग। 7 साल से बीजेपी की सरकार है केंद्र में, मोदी सरकार है, मोदी जी ने क्या किया? मेरे को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? इनकी एजेंसीज क्या कर रही थी अभी तक? तो ये ऐसी हास्यास्पद बात है जिसको मतलब सुन के ही हंसी आती है। और शायद मैं दुनिया का सबसे स्वीट आतंकवादी होऊंगा जो लोगों के लिए अस्पताल बनवाता है, लोगों के लिए स्कूल बनवाता है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे भेजता है। आज तक तो मैं समझता हूँ कि दुनिया में ऐसा कोई आतंकवादी पैदा नहीं हुआ जो सड़कें बनवाता है, पानी बनवाता है, बिजली ठीक करता है, लोगों को बिजली फ्री देता है, लोगों की सेवा करता है। सियासी वार पलटवार का दौर जारी है। एक तरफ जहाँ कांग्रेस और आप सूबे की सियासत में बड़े प्लेयर हैं, वही पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी का साथ मिलने से बीजेपी भी प्रदेश में पैर जमाने के लिए प्रयासरत है। वही बसपा और अकाली दल मिलकर चुनाव में ताल ठोक रहे हैं। किसान संगठनों की पार्टी संयुक्त मोर्चा भी चुनावों में किस्मत आजमा रहा है। परिणाम 10 मार्च को आने हैं। देखना होगा कि पंजाब की जनता किस पर भरोसा जताती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। आइए पंजाब के रण को और भी नजदीक से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पैनल के जरिए पैनलिस्ट से मिलवाती हूँ। डीपी कौशिक हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं। सुमित हिंदुस्तानी आप नेता के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं और आप देख रहे हैं। अमित नेहरा साहब हमारे साथ जुड़े हैं, ये राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। शुरुआत अमित नेहरा जी मैं आपसे कर लेती हूँ। पंजाब के रण को देखते हुए आपका विश्लेषण कहाँ और क्या कहता है? आपने कुमार विश्वास को भी सुना होगा, आपने केजरीवाल का पलटवार भी सुना, आपने रिपोर्ट में भी बहुत कुछ समावेश करने की कोशिश की है। अमित जी, देखिए नामिका, कुमार विश्वास एक अच्छे कवि हो सकते हैं, लेकिन वो एक कुशल राजनीतिज्ञ नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी लेकिन वहां पे वो अपना राजनीतिक कौशल नहीं दिखा पाए और अंततः उनको बाहर निकलना पड़ा या निकाल दिए गए, जो भी रहा हो। तो कहने का मतलब ये है कि राजनीतिक कौशल नहीं है। अब वो अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए कुछ बयान तो देंगे ही, तो हो सकता है उनको यूज किया गया हो, किसी से कहलवाया गया हो, ये तो वो जाने, लेकिन इन बातों में कोई सच्चाई नहीं, कोई दम नहीं है, क्योंकि पंजाब अपने जो दुर्दिन है वो पीछे छोड़ चुका है। आतंकवाद वहां पे आज के दिन कोई मुद्दा नहीं है। पंजाब में अगर जाएं हम, यहाँ पे दिल्ली गुड़गांव में बैठ के तो आतंकवाद पे चर्चा कर सकते हैं, लेकिन पंजाब में कोई इस बात पे चर्चा नहीं करता, क्योंकि वो उन्होंने देखा, उन्होंने भोगा है। अगर इसी तरह अगर मान लिया वहां पे आतंकवादी हैं, गए हैं, तो देखिए बीजेपी और अकाली दल की 10 साल तक सरकार रही है पीछे, ठीक है ना, तो आतंकवाद का सफाया इसका मतलब नहीं हो पाया उन 10 सालों में, ठीक है ना। तो अब भी अगर ये कह रहे हैं कि वहां पे आतंकवादी हैं, तो उसके लिए दोषी तो कोई ना कोई तो है। और अब देखिए बात क्या है कि जो पंजाब का इलेक्शन है वो काफी रोचक मोड में है और कुछ भी हो सकता है वहां पे, ये नहीं कह सकते कि हम क्या है। देखिए वहां पे मेन फाइट तो
रहनी है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में, इसमें तो कोई दो राय नहीं, किसी को भी होनी भी नहीं चाहिए। अब दूसरी चीज जो है, बीजेपी को अपने पार्टनर की तलाश थी क्योंकि अकाली दल से उनका मामला खत्म हो चुका था, तीन नए कृषि कानून जो लाए थे जी जी। तो हरसिमरत कौर ने जो इस्तीफा दिया था उसी दिन से टूट गया था उनका, तो उन्होंने कैप्टन अमरिंदर से समझौता किया। बीजेपी की दिक्कत ये है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने और जो आईटी सेल है उन्होंने कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ इतना जहर उगला था कि अब उनको वापस लेना भारी पड़ रहा है। वो बता नहीं पा रहे कि किसान आंदोलन के दौरान उन्होंने कैप्टन अमरिंदर का इतना बहिष्कार क्यों किया था, अब बीजेपी कैसे उनके साथ है, तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है। तो वो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा दाल गल पाएगी। अब अकाली दल है, अकाली दल ने हालांकि हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दिया था जी। लेकिन वो ये एक मैसेज देने में सफल नहीं हो पाए कि वो किसानों के साथ है, क्योंकि जब अध्यादेश आया था तो हरसिमरत कौर कैबिनेट की मेंबर थी, तो उस समय विरोध नहीं किया था उन्होंने। तो ये एक गुस्सा है वहां पे पंजाब के लोगों में। और हालांकि बीएसपी से उन्होंने गठबंधन किया है तो उनको कुछ उम्मीद है कि हम बेहतर प्रदर्शन कर पाए। अब सबसे बड़ी बात जिसकी निगाहें सबको हैं वो है किसान जो मोर्चा है वहां पे, जो पार्टी किसानों ने बनाई है, 32 संगठन थे जो सक्रिय रूप से हिस्सा ले रहे थे यहाँ पे किसान आंदोलन में, 32 में से 22 संगठनों ने वहां पे मिलके मोर्चा तैयार किया है, चुनावी मोर्चा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कोई छाप छोड़ पाया है। सामाजिक मुद्दे अलग होते हैं, पॉलिटिकल जो स्ट्रेटजी होती है वो अलग होती है, तो फिलहाल मुझे नहीं लगता कि वो कुछ ज्यादा प्रभाव छोड़ पाएगा। आम आदमी पार्टी के भीतर आप टक्कर देख रहे हैं जो एक दूसरे को टक्कर देंगे, या कांग्रेस ज्यादा मजबूत है? बिल्कुल बिल्कुल। अब नहीं, अभी तो ये कहा नहीं जा सकता। देखिए, मालवा जो क्षेत्र है, पंजाब को तीन क्षेत्रों में बांट सकते हैं भौगोलिक रूप से, मालवा, माझा, दोआबा। तो मालवा में जो आम आदमी पार्टी है उसकी पकड़ अपेक्षाकृत मजबूत है, जबकि माझा और दोआबा में कांग्रेस का जोर है। हालांकि बीजेपी का भी जोर कहीं कहीं दिखाई देता है बड़े शहरों में, जहां कुछ एक वर्ग विशेष है। और उसके साथ साथ कांग्रेस ने एक ये दाव जो खेला है चरणजीत चन्नी को आखिरी समय में चेंज करके, हालांकि लोग कह रहे हैं कि नवजोत सिद्धू और इनकी जो आपस में खींचातानी उसे नुकसान होगा, लेकिन कांग्रेस ने एक स्पष्ट संकेत दे दिया है कि सिद्धू को हम इतना वजन नहीं देंगे, कभी भी नहीं देंगे, क्योंकि उनकी रिलायबिलिटी जो है ना, एक विश्वसनीयता वो संदिग्ध है। क्योंकि जब बीजेपी में थे तो उन्होंने सोनिया, राहुल के बारे में इतने अनाप शनाप बातें कही थी, तो उससे वो आहत है अभी। वजह यही रही कि उनमें काफी हद तक योग्यता होते हुए उनको मुख्यमंत्री पद नहीं दिया गया। अब भी स्थिति वही है, माल्या मेजोरिटी में आ भी जाती है कांग्रेस। नेता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन जी, आप इस बात का जवाब देना पसंद करेंगे सर? क्या है मैडम? सर, पैनल की आवाज पहुंच रही है आप तक? पवन जी, जी आज आ रही है। क्वेश्चन क्या है? कांग्रेस को लेकर यहाँ पर अमित नेहरा ने सवाल एक उठाया है कि चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच के जो रिश्ते हैं वो थोड़ी प्रॉब्लम क्लियर उत्पन्न कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इसके भी संभावना शायद हो, क्योंकि आप लोगों ने, आपके हाईकमान ने एक इशारा दे दिया है कि इतना ज्यादा वजन नहीं देंगे आप लोग नवजोत सिद्धू को, ऐसा कुछ चल रहा है? नहीं, अब तो हाईकमान ने, हमारे राहुल जी ने सब क्लियर कर दिया है कि हमारे जो नेक्स्ट सीएम होंगे पंजाब के वो चन्नी जी ही होंगे, और इसमें तो एक जो कोई बात ही नहीं है अब भेदभाव वाली, अब तो सब क्लियर ही है। यानी क्लियर कट जीत देख रहे हैं आम आदमी पार्टी या बीजेपी से आपको टक्कर नहीं दिख रही? इनका तो कोई वजूद ही नहीं है, बीजेपी कहाँ है पंजाब के अंदर? आम आदमी पार्टी भी तो कहीं नहीं है, ये तो सिर्फ जुमलेबाजी छोड़ते हैं और केवल झूठ की राजनीति करते हैं। अब दोनों के लिए देश का युवा इतना बेरोजगार हो रहा है,
नहीं, बीजेपी के लिए कह रहा हूं मैं पहले तो। बोलिए। आम आदमी पार्टी भी, वो भी कोई पंजाब में उसका कोई इतना अभी नहीं है कि वो उनसे हमारी टक्कर हो, है थोड़ा बहुत तो कोई उनका, तो हमारी तो क्लियर मेजोरिटी है पंजाब के अंदर हर तरफ से। चलिए मैं जरा एक क्विक रिएक्शन ले लूं। डीपी कौशिक जी, नहीं लगा पाएंगे आप लोग सेंध, सुना आपने? कांग्रेस मेरे की तरह से बोल रहे हैं जैसे इनका तो बहुत बड़ा वहाँ पे मतलब 30 बार का काम चल रहा है वहाँ पे। मैं आपको बताना चाहूंगा, 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, 5ों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी है। इनको एडवांस में बता रहा हूँ मैं, इनको अभी ये तो आज चुनाव समाचार बंद हो गया, ये क्या करका है क्या नहीं करका है, दोनों बहन भाई वहाँ पे, और अच्छी तरह पता है कांग्रेस का कल्चर क्या रहा है वहाँ पे। और अभी भी दोनों में पार्टियों में मान लो अध्यक्ष है और आपके सीएम साहब है, जो 36 का आंकड़ा कांग्रेस का हर जगह ही है। मैं पंजाब की बात नहीं कर रहा, हमारा हरियाणा देख लीजिए और किसी स्टेट को उठा के देख लीजिए, कांग्रेस इस धरातल पर नहीं रही। ये माननीय मोदी जी ने कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत होगा, वो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट हो चुका है, कुछ थोड़े मोटे गुंजाइश रह रही है तो वो भी 2-4 सालों में खत्म हो जाएगी। इनके लक्षण है, पता वजह क्या है? वजह क्या कि सच को भी सच नहीं मानते, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इनका। अच्छे कार्यों की सराहना नहीं करती कांग्रेस, इतनी बड़ी पार्टी रही है लेकिन आज कहां पहुंच गई, सिर्फ इन्हीं लक्षणों की वजह से कि सच को सही नहीं मानते। चलो ये इनका अपना अंदर का मामला है, मुझे इनके बारे में कुछ नहीं बोलना। मैं बस इतना बताना चाहूंगा कि दोनों पार्टियां, चाहे वो आप पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, ये देश को ना गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और जो पहले ये तो आरोपों का जवाब हो गया, चलिए ठीक है, ये वार पलटवार हो गया। वो कह रहे मेजोरिटी हमारी आ रही है या कहाँ है पंजाब में, तो आप वहां पर क्लियर कट जीत देख रहे हैं पंजाब में बीजेपी की। आप कह रहे हैं कि हम 5ों राज्यों में आने जा रहे हैं, यानी पंजाब में भी आने जा रहे हैं। समीकरण वो गणित थोड़ा समझा दीजिए कि कैसे आप वहां पर अपनी पैठ बढ़ाने और बनाने जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर आपको बहुत काम करने की जरूरत है। मेरे गणित समझाने से थोड़ी होगा, देश की जनता समझा रही गणित इनको। नहीं वो तो समझाएगी, लेकिन अगर आप जीत का दावा कर रहे हैं तो कुछ तो आप लोगों ने अपना समीकरण बिठाया होगा ना सर। मेरा समीकरण ये है कि पंजाब की जनता जो है ना वो समीकरण बिठा रही है। पंजाब की जनता चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी की, और पंजाब की जनता आपको क्यों वोट देगी? वोट इसलिए देगी हमारे माननीय तो देख लीजिए इनकी जो 70,000 पवन जी, देखिए सुमित जी अपने बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप भी रुकिए जरा। हाँ माननीय प्रधानमंत्री जी काम देखिए, जितनी स्टेटों हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ के काम देखिए, तो माननीय मोदी जी को चाहते हैं, वो चाहते हैं कि माननीय मोदी जी यहाँ पे भी काम करें। नहीं पंजाब चुनाव में क्या राष्ट्रवाद को लेकर जा रहे हैं आप लोग, या स्थानीय मुद्दों पर बात करेंगे? देखिए हम नहीं राष्ट्रवाद पे जाते हैं, नहीं हिंदुवाद पे जाते हैं, हम काम करते हैं काम का। माननीय मोदी जी के काम है प्रदेश की जनता या हिंदुस्तान की जनता, आज माननीय मोदी जी को देख रही है, किस वजह से देख रही है? उनके कामों को देख रही है, ठीक है। और ये जो काम का है निरंतर इसका सिलसिला चलता रहेगा। और पंजाब का थोड़ा सा दुर्भाग्य रहा है कि पिछले सरकारें ऐसी रही है। मैं पंजाब की जनता से प्रार्थना भी करूंगा कि वो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अपने पंजाब को एक नया पंजाब का रास्ता दिखाए। चले मैं दोबारा आ जाऊंगी क्योंकि सवाल रह जाएगा आम आदमी पार्टी के लिए भी। पवन चोपड़ा ने यहाँ पर सवाल छोड़ा था। सुमित हिंदुस्तानी जी, थोड़ी बहुत आप लोगों की अगर पैठ है या पहुंच है तो इसका यह मतलब नहीं कि वहाँ पर आप जीत जाएंगे और सरकार बनाएंगे। सुना ना आपने पवन जी को, जवाब दीजिए। देखिए सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को बता दूं कि आम आदमी पार्टी इस बार पूर्ण बहुमत से पंजाब के अंदर अपनी सरकार बनाने जा रही है। और रही बात और राजनीतिक दलों की, पंजाब ने इन दोनों राजनीतिक दलों को मौका दिया पंजाब की सेवा करने का। ये क्या वजह रही कि पंजाब के लोग आज के समय में अपने मान भगवंत मान। दो बातें अभी आपने कही है हिंदुस्तानी साहब, दूसरी बात की क्या वजह रही और मौका मिला तो इन्होंने क्या किया, इस पर मैं आपको बोलने का आगे मौका दे दूंगी। आपकी पहली पंक्ति थी कि आपने हम सबको बताया कि आम आदमी पार्टी पंजाब में सरकार बनाने जा रही है। बिल्कुल 100%। कैसे? देखिए पंजाब के लोग इस बार मन बना चुके हैं, जो भी यहाँ पर पंजाब के अंदर जो रवायतियां पार्टियां चल रही थी उन्होंने सिर्फ अपने घरों को भरने के और अपने
राजनीतिक पार्टियों ने रख दिया कि आज पंजाब के लोग परेशान हैं, लेकिन अब पंजाब के लोग अगले दो दिन का वेट कर रहे हैं कि कब 20 तारीख को सुबह की पहली किरण से पंजाब को नया पंजाब, पंजाब के अंदर एक ईमानदार राजनीति के रूप में बदल दबाने का काम करेंगे और अपने बीच से अपने द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को पंजाब की बात और संभालेंगे, जो पंजाब के लोगों का दर्द समझते हैं, पंजाब के लोगों की डेवलपमेंट किस तरीके से की जाए वो चीज समझते हैं। तो ये जितनी भी पुरानी रवायतें या पार्टी की इनसे पंजाब के लोग ऊब चुके हैं। आप देखिए पंजाब का युवा वर्ग, पंजाब की हमारी महिला शक्ति, पंजाब के हमारे कर्मचारी, पंजाब के हमारे व्यापारी, सब लोग इससे ऊब गए हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि इन लोगों को कांग्रेस पार्टी हो या शिरोमणि अकाली दल के साथ जो भाजपा रही, इनको मौका नहीं दिया, इनको मौका दिया पंजाब के लोगों ने, लेकिन उस मौके का इन्होंने बहुत ही नाजायज और गलत फायदा उठाया। इसलिए आम आदमी पार्टी पंजाब के लोगों की पार्टी बन चुकी है और अब पंजाब ने अपनी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी और किए हुए वादों को पूरा करने का बिल्कुल वचनबद्ध रहेगी। पवन जी, इनकी बातों से कहीं चुनौती दिख रही है? बिल्कुल भी नहीं है। ये सब इनके जो झूठे वादे हैं ना, ये लुभाने वाले हैं लोगों को। लोग आज समझ रहे हैं, जनता विकास चाह रही है, रोजगार चाह रही है, और जो ये झूठे वादे करते हैं, हम बिजली मुफ्त दे देंगे, हम इतने पैसे मुफ्त दे देंगे, हम वो कर देंगे, ये सब बाद में इनके झूठे वादे ही प्रूव होते हैं। यूपी में भी देख लीजिए, इतने इतने झूठे वादे करते हैं ये, कोई भी कहीं भी इनका बीजेपी का कोई कहीं इन्होंने विकास किया हो, रोजगार दिया हो, आज इनके पास मुद्दा ही नहीं है। सवाल आम आदमी पार्टी ने, सर बीजेपी के पास बाद में आप बीजेपी को लेकर क्यों जवाब दे रहे हैं? आम आदमी पार्टी ने सवाल पूछा, उन्हें बोलिए ना, या बीजेपी से चुनौती महसूस हो रही है? आम आदमी पार्टी भी, ये आम आदमी पार्टी भी, इनको भी कोई लोगों ने कोई की भी आवाज को उठाकर रखी है, किसी तरह का समर्थन दिया नहीं है। आप बोलिए पवन जी, बोलिए। हेलो जी जी, आम आदमी पार्टी का भी पंजाब में कोई ऐसा वजूद नहीं है कि इनको कुछ सीटें बहुत ज्यादा होगी तो दो चार सीटें पे कहीं पे भी ये मार्जिन से ही जीत पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं। हमारा तो पूरा पूरी की पूरी फुल मेजोरिटी में आनी है सरकार। बीजेपी के भी लोगों ने राज देख लिया, देश में राज लोग इतना परेशान है, हर वर्ग परेशान है, किसान देख लो इतना, कितनी मुश्किल से कितने एक साल वहां पड़ा रहा, उनकी सुनवाई नहीं हुई, युवा कितना बेरोजगार है आज, और कितनी महंगाई। सर मैं बार बार खींच कर आम आदमी पार्टी के पास आपको लेकर आ रही हूँ, पहले आप सुमित हिंदुस्तानी को जवाब दे दीजिए, आप बार बार बीजेपी पर चले जा रहे हैं, क्या इसे ये समझा जाए कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चुनौती तो दिख रही है बीजेपी से? मैडम जी, जब कांग्रेस पार्टी की पंजाब के लोगों ने 2017 के अंदर, नहीं बिल्कुल भी नहीं है, 2017 के अंदर जब कांग्रेस प्लीज अमित नारायण जी भी अभी शांत बैठे हैं, उनकी बारी आ रही है, विरोध चल रहा है। आप बोलिए ना पवन जी, ऐसे मैं साइलेंट नहीं छोड़ सकती, अपनी बारी में बात रखती हूँ। तो देखिए चन्नी जी के उसमें नेतृत्व में पंजाब में हर तरफ से पब्लिक का उनको समर्थन मिल रहा है, हर वर्ग का मिल रहा है, गरीबों का भी मिल रहा है, व्यापारियों का भी मिल रहा है, किसानों का भी मिल रहा है, और इम्प्लाइज का भी मिल रहा है, हर तरफ से समर्थन मिल रहा है। तो ये कहाँ खड़े हैं आप आम पार्टी वाले? ये तो एक हसीन सपने लेके अपना सोच रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बन रहे हैं, जैसे सपने वाली बात करते हैं ये, इसमें हकीकत में इनके साथ कुछ भी नहीं है वहां पे। आप चन्नी जी के ऊपर क्यों बात कर रहे हैं? कैप्टन अमरिंदर आपके मुख्यमंत्री थे, 4.5 साल से ज्यादा कैप्टन अमरिंदर जी आपके मुख्यमंत्री रहे हैं कांग्रेस पार्टी के पंजाब के अंदर। आप बताएं, आपके हाईकमान ने कैप्टन अमरिंदर जी को अपनी पार्टी से बाहर क्यों निकाला? आपकी हाईकमान समझ गई थी कि जो वादे कांग्रेस पार्टी ने पंजाब की जनता को किए थे उस वादों में खरा नहीं उतरी है, इस आदमी को पार्टी से निकाल दिया जाए। चन्नी जी को तो आप लोगों ने मोहरा बनाया सिर्फ। सुमित जी, चन्नी साहब ने जो खत लिखा था प्रधानमंत्री को कुमार विश्वास के दावे को लेकर, जांच कराए जाने को लेकर, अमित शाह ने अब कहा है कि ठीक है जांच कराएंगे, इस पर बोल दीजिए। आप मुझे एक बात बताएं, कुमार विश्वास की वीडियो का दावे के लिए तो चन्नी जी ने जो बिहार के और दिल्ली के लोगों के बीच
सरेआम बेइज्जती कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका गांधी जी वहाँ पे तालियां बजा रही थी, क्या उस बात को लेकर चन्नी जी ने कोई इंक्वायरी नहीं बिठाई? अमित शाह जी कोई इंक्वायरी नहीं बिठाएंगे क्या? अमित शाह जी को उनके दिल्ली के लोगों की, यूपी के लोगों के, बिहार के लोगों की वोटें नहीं चाहिए? अमित नेहरा जी आपको क्या लगता है सर, जो ये क्या ये दोहरी राजनीति है या ठीक है इस तरह का आरोप लगा? तो चन्नी साहब ने मांगी है, जो जांच की मांग की है उन्होंने, वो उस मांग पर बोल दिया अमित शाह ने कि ठीक है हम जांच करेंगे। अमित नेहरा, दोहरी राजनीति है या ठीक है, हो जानी चाहिए जांच अगर ऐसी बात उठी है तो? कि जो नहीं, ये जो बयान है कुमार विश्वास का, ये सीधे सीधे चरणजीत चन्नी को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है ना? उनको मौका मिल गया, उन्होंने झट से डिमांड कर दी भी जांच कराइए। लेकिन इस तरह की चीजों से कोई होने जाना नहीं है। जांच हो भी गई तो भाई उनकी बंद कमरे में हुई थी, उनके ऊपर उनसे ये भी पूछा जाना चाहिए कुमार विश्वास पे, भाई आपने उसी टाइम क्यों नहीं रिवोल्ट किया, आपने उसी टाइम क्यों नहीं मुंह खोला, क्या आप पंजाब के जो चुनाव है उस समय तक के लिए खामोश थे? भाई उनपे भी एक तरह से देखो एक केस तो बनता ही है इस तरह का, नैतिकता का भी सवाल है। भाई आपने इस टाइम ही जाके क्यों कहा? आपके अंतरात्मा आप जागी है? एक कवि की अंतरात्मा इतने दिन तक कैसे चुप रही? बहुत सारे सवाल है। हालांकि ये इंसिडेंट, मैं ये नहीं कहता ये झूठा है या सही है क्या है, उस पे तो हम जाते ही नहीं, लेकिन जो टाइमिंग है कुमार विश्वास की तो उसपे, लेकिन फिर मैं वही बात कहूंगा कि कुमार विश्वास बेशक एक अच्छे कवि हों, लेकिन वो राजनीति में एक मंजे हुए खिलाड़ी नहीं है। तो आपकी तो दोनों बात उनको राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी नहीं है, अपनी राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी नहीं है, लेकिन टाइमिंग सटीक चुन ली उन्होंने इस बात को रखने के लिए। नहीं, टाइमिंग सटीक तो तब चुने ना, उनके विश्वास पे कोई यकीन करेगा, कोई भरोसा करेगा, उससे कोई मुझे नहीं लगता। अमित शाह तैयार है जांच के लिए, बड़ा परिवर्तन आएगा, अमित शाह तैयार है जांच के लिए? नहीं, वो करते रहे, क्योंकि देखिए अमित शाह अगर जांच के लिए तैयार हैं तो बीजेपी को उससे कोई फायदा नहीं होगा, बीजेपी की तरफ वोट शिफ्ट थोड़ी होगा उसका। मुस्कुराइए मत कर, ये तो देखिए एक बात आप समझिए। हाँ है जी, नहीं डीपी कौशिक तो मुस्कुरा रहे हैं आपके फायदे और ना फायदे वाली बात। आप देखिए बीजेपी क्या है कि आप एक बार समझिए चीजें। अब बीजेपी ये तो दावे कर रही कि हम सरकार बनाएंगे, लेकिन आज के दिन ये कह रही है बीजेपी कि हम संसार की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है ना? ये तो आपने भी सुना होगा बार बार बीजेपी वालों के मुंह से जी। लेकिन बीजेपी की हालत पंजाब में ऐसी है कि वो बिना किसी पार्टी के सहारे अपने कैंडिडेट नहीं उतार पा रही, वहां पे गठबंधन करना पड़ा। पंजाब इतना बड़ा स्टेट है, ठीक है ना, 117 विधानसभा सीटें वहां पे, और संसार की सबसे बड़ी पार्टी वहां पे अकेले अपने दम पे चुनाव नहीं लड़ पा रही है। तो बीजेपी की हालत समझिए, वहां पे क्या है कि इस समय अगर मजबूत कोई पार्टियां हैं तो आम आदमी पार्टी है या फिर कांग्रेस पार्टी है, तो मुकाबला वो किसी के साथ उन्होंने गठबंधन किया भी नहीं, क्योंकि उनको पता है कि हवा है तुम्हारी, ठीक है ना? अगर 2017 के इलेक्शन के आप रिजल्ट देखें तो एक बड़ा रोचक सा मामला है कि अकाली दल को 25% के आसपास वोट मिले थे, लेकिन उनका प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं रहा, जबकि आम आदमी को 23% ही वोट मिले थे, उनका प्रदर्शन अच्छा रहा। तो ये कई सारी चीजें हैं। अब थोड़ा सा कांग्रेस के ऊपर भी आ जाए, कांग्रेस का सारी चीज तो ठीक है, लेकिन जो चीज उनके आड़े आएगी वो ये है कि जो 2017 में चुनावी वायदे किए थे उस पे कितना खरे उतरे हैं लोग, ठीक है ना? Exactly. और उनको केजरीवाल के जो फ्री बिजली के जो वादे हैं, ठीक है ना, और हर महिला को 1000 रुपए देने की जो बात है, उनसे भी जूझना पड़ेगा। हालांकि 5 साल पर चुकी है हाल ही में जनता कांग्रेस को, लेकिन केजरीवाल या आम आदमी पार्टी अभी उनके लिए नई है, सत्ता में नहीं आई है, तो क्या करेगी कैसे करेगी ये भविष्य का सवाल है। फिलहाल तो आप यही मान के चलिए कि इस रण में दो ही मुख्य पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, ठीक है? तो पवन जी मैं आपके पास आ, चुनावी समर कैसे तय करेंगी ये देखना दिलचस्प रहेगा। बिल्कुल, पवन चोपड़ा, सुना आपने अमित नेहरा को 2017 में जो वादे किए थे उसको किस हद तक कितना पूरा किया है? इस रिपोर्ट कार्ड को देखते हुए लोग जाएंगे ईवीएम मशीन में बटन दबाने,
तभी हाथ को दूसरों के हाथ का दूसरों के वोट का साथ मिलेगा। तो 2017 के रिपोर्ट कार्ड पर भी आप लोगों का फोकस है या केवल चरणजीत सिंह चन्नी का नाम आगे करके सोच रहे हैं कि फिर मौका मिलेगा? जी नहीं 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 नहीं, नहीं। ऐसा नहीं है। हमारे कांग्रेस का जो शुरू से ही रुझान रहा है, हमेशा पार्टी की यही पॉलिसी रही है, हर गरीब वर्ग को, हर किसान को, मजदूर को, उनका अच्छे से विकास हो। अब चन्नी जी जैसे ही आप देख लिए, उनके 111 दिन के मात्र उनके मुख्यमंत्री पद ने, आप देख लीजिए उन्होंने कितने का जितने तो गरीबों के कल्याणकारी कार्य किए हैं, कितनी कल्याणकारी नीतियां लाए हैं, और आगे आने वाले 5 साल में और कितने अच्छे से वो इनको निभाएंगे और अच्छे से अपनी पॉलिसी लाकर अच्छे से सब वर्ग को नीचे से उनका उत्थान करेंगे। ये लोग वहां के समझ रहे हैं, पंजाब के हर वर्ग समझ रहे हैं, इसलिए उनके साथ। अब कहीं भी देखो कांग्रेस का कोई भी कैंडिडेट हो, वहां पे कितना लोग का उनके समर्थन में उनको समर्थन मिल रहा है, उनके साथ रहे उनके इलेक्शन में कंपेन में, तो इससे साफ जाहिर होता है कि पब्लिक का आज भी मन कांग्रेस में ही विश्वास रखता है। एक नेशनल पार्टी है जो पूरा प्रदेश का और देश के विकास को एक आगे ले जाती है। ठीक है, डीपी कौशिक जी, नेहरा जी की बातों को सुना आप रहे, मैं रिपीट करूँ या जवाब दे देंगे? नेहरा जी का विश्लेषण अपनी जगह है, मैं तो एक ही बात कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही वहां पे, और मैं देखिए समीकरण लगाने की जरूरत नहीं है। वो कह रहे हैं आपके पास कैंडिडेट नहीं है वहाँ, वो कह रहे कैंडिडेट नहीं है आपके पास। देखिए देखिए अनिल मक्का जी, चुनाव चुनाव किस तरह से लड़ा जाता है, अगर अपने वहां गठबंधन किया तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास चुनाव कैंडिडेट नहीं है। सरकार हमारी पहले भी रही हुआ गठबंधन में रही है, तो अब के बारे में गठबंधन के लिए नई बात पहुंची है, ये तो कोई बात नहीं। और कहीं पे भी देखिए स्टेट का चुनाव होता है तो वहां पे जाकर समीकरण देखा जाता है कि किस हमारा सर, बहुत ईमानदारी से एक सवाल पूछ रही हूँ, बहुत ईमानदारी से इसका जवाब दीजिएगा, और मैं आपकी ईमानदारी के कायल हूँ भी। दीपक कौशिक साहब, जो हवा चल रही है, जैसे लगातार, ये केवल अमित नेहरा का ही विश्लेषण नहीं है, हर आर्टिकल हर विश्लेषक की यही राय है कि पंजाब में कांग्रेस और आप यानी आम आदमी पार्टी के भीतर ही, इनके बीच ही पहले और दूसरे नंबर की टक्कर है, तो वहां पर पंजाब में अपने लिए चुनौती के तौर पर आप इन दोनों को देखते हैं, कहीं महसूस होती है कि थोड़ा टफ गेम है? नहीं देखिए, इलेक्शन कोई भी इलेक्शन हो, इलेक्शन सारे टफ होते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, चाहे सेंटर का हो, इलेक्शन को इलेक्शन की तरह देखा जाना चाहिए, लाइटली को भी चीज नहीं लेनी चाहिए। पार्टी हमारी है वहां पे, अच्छा प्रदर्शन कर रही है, और हम ऐसा भी महसूस होता है सरकार बनाने के सक्षम है, ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार नहीं बनेगी वहां पे। चुनाव है, चुनाव में पब्लिक का मूड है, इस तरफ ज्यादा झुकाव हो सकता है, पर ये तो आने वाला टाइम बताएगा ना। अब ये कह नहीं सकते कि सरकार कौन सी बननी वहां पे, पिछली बार 70 बता रहे थे ये आप पार्टी वाले कितने में टिक गए, ऐसा मतलब ये मत मान के चलिए कि जो आदम यहाँ बैठे हैं एनालिसिस कर रहे हैं वही सब कुछ होने वाला है। चुनाव में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यानी आप आ भी सकते हैं आप नहीं भी आ सकते हैं। शुभकामनाएं मिठाई किया सुमित हिंदुस्तानी की ओर से भी आएगी? बिल्कुल आएगी, बिल्कुल जाएगा, और पंजाब को अगला पंजाब बनाया जाएगा, और सिर्फ हमारी जीत नहीं होगी, पंजाब के लोगों की जीत होगी, उन माताओं बहनों की जीत होगी जिनके परिवार के सदस्यों को इन राजनीतिक पार्टियों ने नशे के अंधकार में डुबो दिया था, उन बेरोजगार युवक की जीत होगी जिसको कांग्रेस पार्टी के और जो अकाली दल रहे या किसी के संबंध जिन्हें पहुंचाए रहे उसके बावा करते थे, और उस व्यापारी के लिए हर कुमार विश्वास के बयान और उसके बाद जांच की मांग और जांच की मांग को स्वीकार कर लेना सर, कहीं ये नहीं ठीक है टीवी पर बोलने के लिए, आप अगर बोल रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन क्या कहीं पर लग रहा है कि कुछ नुकसान हो जाएगा इससे? अरे नुकसान से बात नहीं है, ये चुनाव पंजाब का चुनाव है, ये पंजाब के डेवलपमेंट का चुनाव है, हम डेवलपमेंट की बात करें, जब चुनाव नजदीक आते हैं तो इस तरह की बयानबाजी आती रहती है। अब ये तो कुमार विश्वास बताएंगे ना, उन्होंने ये बयान जोर से कहने पर दिया है, और इस बयान का जवाब पार्टी
बयान से पंजाब के चुनाव को कोई भी लेना देना नहीं है। हो सकता है कि वैसे आजकल किसी ने वो नहीं आ पा रहे होंगे तो सोचा होगा ऐसा उस पता के यहाँ लेकिन दिल्ली में आ जाओ। अदरवाइज आम आदमी पार्टी पहले दिन से विकास के नाम पर डेवलपमेंट के नाम पर राजनीति करती जा रही है और जो दिल्ली में काम हम लोगों ने नहीं डेवलपमेंट की बात तो बीजेपी भी कर रही है कांग्रेस भी कर रही है। एक और सवाल कांग्रेस हाईकमान की ओर से राहुल गांधी की ओर से चरणजीत सिंह चन्नी का चेहरा एक बार फिर से सीएम पद के लिए आगे करना ये थोड़ी मुश्किलें पैदा कर सकता है क्या? देखिए ऐसा ऐसे में पद सबके लिए चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी हो चाहे शिरोमणि अकाली दल हो या कोई भी राजनीतिक दल हो नहीं आपकी ओर से कौन है चेहरा कौन है आपका चेहरा कौन है और वो पंजाब के लोगों का दर्द जानता है और जब वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो बहुत जल्दी ही उन राजनीतिक राजनीतिक पार्टी द्वारा निर्वाचित एक ईमानदार और बढ़िया राजनीति और राजनीतिक दल लेकर आएंगे भगवंत मान जी। इस पर अमित नेहरा जी आपका विश्लेषण क्या कहता है? अनामिका अच्छी तरह नहीं सुनाई दिया थोड़ा सा बताएंगे क्या? भगवत मान जी चरणजीत सिंह चन्नी के मुकाबले बेहतर काम करेंगे और उनका नाम आगे करने से कोई फायदा नहीं है हमारी ओर से भगवत मान का चेहरा है। ये तो भी नहीं कह सकते क्योंकि एक तो मुख्यमंत्री हैं दूसरे मुख्यमंत्री अभी बने नहीं है तो तुलनात्मक विश्लेषण नहीं किया जा सकता कि तुलनात्मक विश्लेषण नहीं सर मेरा कहा कि कांग्रेस हाईकमान की ओर से चन्नी साहब का नाम आगे कर देना क्या ये आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है कि एक बार फिर चरणजीत सिंह चन्नी को एज अ सीएम प्रोजेक्ट करना चाह रही है वहां पर कांग्रेस? इसका इन्होंने जवाब दिया कि उनके लिए भगवत मान नाम ही काफी है। नहीं ऐसा तो नहीं है। आम आदमी की पॉलिटिक्स अलग पॉलिटिक्स है कांग्रेस की पॉलिटिक्स एक अलग तरह की पॉलिटिक्स है हम दोनों को जोड़ के नहीं देख सकते वो एक दूसरे के हित नहीं टकराते आप मेरी बात समझिए क्योंकि चन्नी दूसरी चीज है भगवंत मान है वो एक अलग चीज है। हाँ। आप अगर हाँ मुकाबला दिलचस्प होता अगर कांग्रेस की तरफ से नवजोत सिद्धू होते और उधर से लेकिन काम करने की बात है वो एक अलग चीज होती है भाई आप आरोप प्रत्यारोप लगाना और चीजें करना वो एक अलग चीज होती है लेकिन काम करना एक मुख्यमंत्री के रूप में अपने आप को प्रूव करना दूसरी बात है ठीक है ना। तो हम इस पे ज्यादा नहीं कह सकते कुछ भी क्योंकि जो वोट बैंक है आम आदमी पार्टी का वो एक अलग वोट बैंक है वो व्यक्ति उनको जोड़ रहे हैं ये जो प्रगति चाहते हैं या इस तरह की जो चीजें है ना भाई दिल्ली मॉडल दिल्ली मॉडल जिनको भा रहा है जिनको दिल्ली मॉडल में विश्वास है वो जो जनसंख्या है जो वोटर हैं वो इनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। कांग्रेस का जो वोटर है वो परंपरागत वोटर है। दूसरी बात कांग्रेस को संजीवनी मिली है सही मायने में वो तीन नए कृषि कानून से मिल गई है ठीक है ना क्योंकि जो जून में जो अधिनियम आया था उससे पहले कांग्रेस की हालत कुछ ठीक नहीं थी वहां पे पंजाब में लेकिन जैसे ही ये तीन नए कृषि कानून आए विरोध शुरू हुआ कांग्रेस ने जैसे उनको सपोर्ट किया जो विरोध कर रहे थे तो उसका बहुत लाभ मिला। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बहुत सपोर्ट किया था कृषि कानून के जो विरोधी थे उनको लेकिन अंत में परिस्थितियां कैसी बनी देखो जो उनको सपोर्ट कर रहे थे विरोधियों के उनसे ही बीजेपी ने सपोर्ट लेना पड़ा बीजेपी को। तो राजनीति में कब क्या हो जाए हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते बिल्कुल ठीक है ना। आज हम बैठे हैं यहाँ पे कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है इलेक्शन जब मतदान हो जाएगा जब काउंटिंग हो जाएगी तो हो सकता है कोई पार्टी किसी अपनी विरोधी पार्टी को समर्थन देती दिखे तो बहुत ज्यादा हम इस पे कह नहीं सकते। फिलहाल तो जो संभावनाओं का खेल है और ये सियासी उलझन किसका वोट बैठेगा वाकई नहीं कहा जा सकता जी। पवन चोपड़ा जी
चरणजीत सिंह चन्नी का जवाब भगवत मान हो सकते हैं तो हम जी जी बिल्कुल भी नहीं, कहीं भी नहीं, इनकी तो हम तुलना करने कर ही नहीं पाएंगे चन्नी जी की किसी के साथ। ये आपका तो आत्मविश्वास बोल रहा है, अति आत्मविश्वास बोल रहा है, गरीब आत्मविश्वास भी है और मेरी आत्मा भी बोल रही है। अच्छा, धरातल से गरीब दलित परिवार से किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना, उसको मुख्यमंत्री बनना एक अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। वो लोगों में रहकर अब उसी तरह नीचे जो वर्ग है, दलित है या गरीब है, मजदूर है, किसान है, उनकी अच्छे से जो भी उनकी दिखते हैं, जो उनकी मजबूरियां हैं, जो उनके उनका विकास को रोक रहे हैं, उनको अच्छे से समझते हैं, उनकी सारी प्रॉब्लम्स, उनकी समस्याएं को अच्छे तरह से वो जानते हैं, वो खुद ऐसे परिवार से हैं, इसलिए वो कहते हैं ना कि जिसको जिसके तन लगी हो उसको हर उसी का पता लगता है कि क्या चोट क्या होती है, तो इसलिए वो तो बहुत ही अच्छे से आगे पंजाब में सरकार चलाएंगे। और लोगों का रुझान भी देखा है, आपने भी देखा है कि जहां भी हमारे भी यहां से स्टार प्रचारक, हमारी कुमारी बहन कुमारी शैलजा जी पंजाब की स्टार प्रचारक रही हैं, वहां गई हैं, उन्होंने जहां जहां जिस जिस भी विधानसभा क्षेत्र में जाके प्रचार किया है, लोगों का एक रुझान एक तरफ से उमड़ के पड़ा है वहां पे कांग्रेस की उसमें। चलिए मैं आपकी बात का जवाब ले लेती हूँ डीपी कौशिक जी, जिस तरह लगे उस तरह जाने, पीड़ पर आई जाने ना, तो पंजाब पर आया है क्या बीजेपी के लिए? देशवासी एक समान है, हम अपना कार्य कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अपने कामों के हिसाब से वोट मांग रही है। समानता को लेकर सवाल नहीं था उनका, एक सेकंड सर, समानता को लेकर सवाल नहीं था, वो ये कह रहे चाह रहे कि हम यहाँ पर हैं, हमने यहाँ का दुख दर्द समझा, हमने नब्ज पकड़ी है, हमने काम किया है, हम बेहतर समझते हैं पंजाब को, बीजेपी नहीं। कांग्रेस का कल्चर देश के सामने आ चुका है, ये क्या है क्या नहीं है ये पूरा देश जानता है, और देश जानने की वजह से ये आज 7 साल से बाहर है ये, और आने वक्त क्योंकि वजह क्या है इनकी, मैंने आपको पहले ही पता है, ये लोग काम तो काम नहीं समझते। अब ये कह रहे हैं चन्नी जी कितनी बड़ाई कर रहे हैं, अरे चन्नी जी इतने अच्छे थे तो एक तुम्हारा डीजीपी ने तुम्हारा 3 बार तो बदल दिया गया तुम्हारे यहाँ से, है इतने चन्नी जी अच्छे होते तो ऊपर हाईकमान के आगे उनके ऊपर कह नहीं मानती। आप लोग गरीब का पत्ता कार्ड खेल के चल रहे हैं क्या? आपने एहसान कर दिया गरीब को, आप बोल रहे नहीं हमने नीचे वर्ग के आदमी को मुख्यमंत्री, अरे तुमने कौन सा एहसान कर दिया भाई, नीचे गरीब का आदमी का इस देश का वासी नहीं है क्या, या वो काम करने लायक सक्षम नहीं है? आप उनकी तोहिन कर रहे हो ये कह के कि हमने उसको बना दिया, कौन सा वो तुमने बड़ा तीर का काम कर दिया, उसको बना के सक्षम अगला आदमी बनाया तो क्या काम करे प्रदेश की जनता, अगर चाहती है आने वाला टाइम तो 10 मार्च को पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं। ये क्यों ये कहने का तात्पर्य कहां से आ गया आपका कि हमने नीचे वर्ग के आदमी को बना दिया? मैं इनके जवाब देता हूं, ये कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो छत्ती बरादरी की पार्टी है, सबका विकास चाहती है, वो हर वर्ग के व्यक्ति को हर तरह से भागीदारी चाहती है, उसकी उसकी भागीदारी वो इसमें राजनीति में भी देती है और अपना नौकरियों में भी देती है और हर तरह से उनको हर बरादरी की भागीदारी। कौन सी कांग्रेस की बात कर रही है, ये हर वर्ग की बात कर रहे हैं, जो कुमारी शैलजा इतने साल से राज्यसभा रहती थी उसका पद तक छीन लिया गया इन्होंने, उसका ये अध्यक्ष पद का भी छीनना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं हम गरीबों की पार्टी, हमारी देखिए तुम्हारी पार्टी बहुत देखिए, ये देश की जनता जान चुकी है आपको, पवन जी सब समझते हैं आप हम कितनी बैठे हैं पे आप बड़ाई कर रहे हैं, वो आपका सामने है, क्या कसूर था राज्यसभा का, क्या कसूर था शैलजा जी का, दोनों बाप बेटे एक बेटा हार गया तो बस उसको भेजा दे सब बना दिया, क्यों भाई तुम दोनों के पीछे कांग्रेस पार्टी है क्या? पवन जी को बोले दीजिए, पवन जी की बारी है, बोले दीजिए पवन जी बोलिए। ये
हमारे बात कर रही हैं, हमारी बहन शैलजा जी के लिए, तो वो हमारे यहाँ पे इतना उनका हरियाणा में इतना ग्राफ है उनका, इतना उनका लोगों में उनका वो है कि वो हर तरफ के तरफ से लोग उनको अपना हरियाणा का मुख्यमंत्री मान चुके हैं लोग हरियाणा वाले उनको। कुमारी शैलजा को, कुमारी शैलजा को लेकर सवाल था सर। खैर छोड़िए, पंजाब चुनाव पर आ जाइए, शायद मेरी आवाज आप तक पहुंच नहीं रही है। डीपी कौशिक साहब, मैं आपके पास आती हूँ। अमित नेहरा को सुना था आपने, अमित नेहरा जी जो कह रहे हैं कि कांग्रेस के अपने एक परंपरागत वोटर्स हैं, जिनको दिल्ली मॉडल पसंद आ रहा है, वो जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के साथ, और वो जाएंगे ही जाएंगे क्योंकि दिल्ली मॉडल को दिखाकर और वैसे ही प्रोमिसेस के साथ आम आदमी पार्टी वहां पर अपने लिए जमीन मजबूत करने में जुटी हुई है। इनसे अलग आप किन वोटर्स को अपने खेमे में आते हुए देख रहे हैं, जो वहां कमल खिलाने के बारे में आपसे बात करेंगे या कमल खिलाने में आपकी मदद करेंगे? कौशिक जी, हेलो। चलो, संपर्क टूट गया। मैं इस सवाल पर अमित नेहरा जी आप ही के पास आ जाती हूँ कि कांग्रेस के परंपरागत वोटर्स दिल्ली मॉडल जो पसंद कर रहे हैं वो जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ, अब ये जो दिल्ली मॉडल वाले वोटर्स हैं जो उनको उसको पसंद कर रहे हैं, वो फ्लोटिंग वोटर्स में आप काउंट कर रहे हैं या ये फ्लोटिंग वोटर्स कहीं अलग से हैं जिसका फायदा थोड़ा बहुत हो सकता है बीजेपी को, क्योंकि आप तीसरे नंबर पर बीजेपी को देख रहे हैं या वहां भी नहीं देख रहे? नहीं आ रही आवाज अमित जी? चले, अमित जी को आवाज पहुंची नहीं, हम दोबारा जुड़ेंगे जरूर। ऑडियो देखिए क्यों ऑडियो नहीं पहुंच रही है, तब तक मैं आपके पास। पवन जी, आप सुन पा रहे हैं क्या मुझे? तो पंजाब के रण को और भी नजदीक से हमें समझना होगा कौन कहां वोट बैंक देख रहा है, किस तरह से सियासी गणित बिठाया गया है कि हर एक पार्टी यहां पर कह रही है क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, क्या आम आदमी पार्टी की सरकार हम बनाएंगे और बहुमत के साथ बनाएंगे। इसी पर विश्वास के वार और केजरीवाल के पलटवार के बाद तब से लेकर अब तक ये चर्चा हम आपके सामने लेकर आगे भी अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।